वैसे कैंडिडेट जो आधार से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस आपने कंप्लीट किया है, साथ में आपने पेमेंट भी कर दिया है, जिनका आधार कार्ड में नाम या पैन कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी मिसमैच है जिसके वजह से उनका पैन लिंक नहीं हो पाया है, तो उनके लिए मैं पिछला वाले वीडियो बना रखा हूँ, जिसमें आप उस वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपको सारा कंप्लीट उसमें प्रोसेस दिखाया गया है कि आपको उसमें क्या क्या करना है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि जो पैन कार्ड आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस कर चुके हैं तो क्या उनका एक्टिव है या एक्टिव सही में है या नहीं है, उसके लिए मैं चेक करने वाला प्रोसेस बताने वाला हूँ इसमें कि आपको कैसे आप अपना आधार और पैन को कैसे पैन को चेक कर पाएंगे कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है, और साथ में आपका यहाँ पर एक्टिव है कि नहीं है, उन सभी का कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आप जितने भी पैन कार्ड अपने आधार से लिंक कर चुके हैं तो ये वाला प्रोसेस चेक करके आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, अगर नहीं देखेंगे तो आपके लिए समस्या आगे चल के हो सकता है, तो इसलिए आप इस वाले वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा। साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है इसमें, जैसे पैन कार्ड और पैन कार्ड पर जो नाम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा, एक मोबाइल नंबर देना होगा जिसमें आपको वेरीफाई करके आपको इसमें प्रोसेस दिखाना होगा। तो चलिए आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो पहले अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या तो सिस्टम का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है ई फिलिंग, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ई फिलिंग इनकम टैक्स, इस तरह से सर्च कीजिएगा, ये वाला पेज ओपन होगा। इसका पेज जो फर्स्ट वाला लिंक है इसको ओपन कीजिएगा, इस पर क्लिक करके लिंक ओपन होगा इस तरह से। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहेगा, जहाँ से आप इस वाले वेबसाइट पर डायरेक्ट चले आइएगा। ये आपको इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यही है आपको ई फिलिंग जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको पहले पैन को वेरीफाई हुआ है अथवा नहीं है उसके लिए चेक करने के लिए आपको आना है यहाँ पर वेरीफाई योर पैन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा जिसमें आपको फिल करना होगा पैन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, साथ में आपका जो नाम होगा वो आपको फिलअप करना होगा, जैसे यहाँ पर आपको शो हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, सबसे पहले पैन नंबर फिलअप करेंगे, पैन पर जो नाम होगा वो नाम यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको फिलअप कीजिएगा, साथ में मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं, या तो पैन में मोबाइल नंबर डाला होगा वो भी, या तो पैन में आधार से जिस समय आप पैन को लिंक करा रहे होंगे वो मोबाइल नंबर दिए होंगे तो भी, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वेरीफाइड जो यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। चलिए आपको सारा डाटा फिलअप करता हूँ, इसके बाद प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कंटिन्यू बाय कंटिन्यू। डेटा आप बिल्कुल इस तरह से फिल कर लिए, जैसे मैं यहाँ पर आधार यहाँ पर पैन नंबर मैं अपना फिल कर चुका हूँ, अपना नाम यहाँ पर आधार पर जो पैन पर तो था, जो पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ था वो मैंने फिलअप किया, इसके बाद जो मोबाइल नंबर था मेरा वो फिल कर लिया हूँ। कंटिन्यू का सेक्शन है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको OTP फिल करना होगा, जो आपको इस वाले नंबर पर OTP गया होगा यहाँ पर OTP डालेंगे। OTP फिल कर चुका हूँ, वैलिडेट का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको पेज यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, यहाँ लिखा है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज पर पैन, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पैन कार्ड है आपका एक्टिव है, पैन कार्ड में आपका कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड आपका 100% लिंक है आधार से, साथ में आपका पैन कार्ड एक्टिव है यानी पैन कार्ड आपका काम करेगा, हमेशा के लिए काम करेगा। और जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है उनका यहाँ पर लिखा गया डीएक्टिव लिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उनको पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का ज़रूरत है, जो मैं अगला वीडियो लेकर आया हूँ उस वाले वीडियो का जाकर देख लीजिए और अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रोसेस जान लीजिए। जो 30 जून के बाद जो डेट ख़त्म हो चुका है उसके बारे में मैं उस वाले वीडियो में बता रखा हूँ कि आपको कैसे पैन को लिंक करना होगा और जो अभी तक लिंक नहीं किए हैं उनका कैसे लिंक करना होगा, साथ में जो लिंक कराने के लिए पेमेंट करा चुके हैं और वो अभी तक लिंक नहीं किए हैं तो उनको कैसे लिंक करना है, साथ में पेमेंट हो चुका है, ठीक है, पैन कार्ड लिंक कराने के लिए आधार से पेमेंट कर चुके हैं और उनमें या तो नाम या तो डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई गलत था और उनके वजह से लिंक नहीं हो पाया है, तो उनको कैसे लिंक होगा उनका भी प्रोसेस मैं दिखा रखा हूँ, तो उस वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।